miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A-Sports. देखो शायान, तुम चाहो या ना चाहो, जब तक तुम्हारी लापरवाहियां खत्म नहीं होगी ना, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा यार। आज इरफान था, कल कोई और होगा। तुम ऐसे ही कर्ज पे कर्ज लेकर अपने पे फिर कोई मुसीबत चढ़ा दो। नहीं, मैं आपसे और मदद नहीं ले सकता। पहले ही आपने बहुत मदद की है हमारी। शायान, अपने ही तो अपनों की मदद करते हैं, और इस मुश्किल हालत में मैं तुम्हें बेयारू मददगार तो नहीं छोड़ सकता। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने भाई बहन की जान बचा लो। तेरा वादा I don't know यार, मुझे नहीं लगता। मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पर, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश करूँगा। आई थिंक आई जस्ट मूव ऑन। ठीक है, तो फिर तुम जाओ, मैं भी अपनी स्टडीज करके आ जाऊँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। और मेरी स्टडीज का क्या होगा? वहाँ पे कम्प्लीट कर लेना। वैसे भी तो तुम्हें शौक है ना हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का, तो इसी बार में तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाए। तुमने अपना प्लान मेरी वजह से बदला है ना? ऑफ कोर्स यार, एज अ हस्बैंड तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है, तो चलोगी ना मेरे साथ? माँ तो राजी नहीं होगी। यार वो तुम्हारा मसला नहीं है, तुम ये बताओ, आर यू कमिंग और नॉट? चलोगी ना मेरे साथ? पता नहीं। आपका कर्जदार बनता जा रहा हूं अली भाई, लेकिन खुदा की कसम इस दफा दिल लगाकर काम करूंगा और आपके सारे कर्जे उतार कर ही दम लूंगा। और आप देखिएगा, इंशाल्लाह एक दिन सारा को भी जॉब करने से मना कर दूंगा, कहूंगा घर पे आराम करे और मेके की जिम्मेदारियां छोड़ दे। इंशाल्लाह, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद, और इस बार मैं आपकी उम्मीदें बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, कल इस जगह पर चले जाना, इस कंपनी का मैनेजर मेरा दोस्त है और मेरी उससे बात हो गई, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। बहुत शुक्रिया अली भाई, अब आप मुझे जा सकते हैं। चाय तो पी? नहीं अगली बात ये पी लो प्लीज। ऑल द बेस्ट। आप क्यों आ गई किचन में? अम्मी के लिए खाना बना रही हूँ। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी? क्यों नहीं जा पाऊंगी? मैं हूं ना, कुछ भी करके मैं उस इरफान के पैसे वापस कर दूंगी उसे, टेंशन नहीं लो। आप ही क्या हुआ सरा? हाँ, तो यहाँ पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, आप पर ही तो भरोसा है, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पढ़ाई का बर्डन आप पर नहीं डालूंगी, बल्कि अपनी पढ़ाई के साथ जितना हो सके मैं इस घर का बर्डन भी शेयर करूंगी।
कोई जरूरत नहीं है इसकी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी फिक्रें मेरे ऊपर छोड़ दो। आपी, मैंने होम ट्यूशन से ना स्टार्ट किया है। क्या अम्मी, आपने इसे इजाजत कैसे दे दी? यूं घर घर जाकर पढ़ाना सेफ नहीं है। अरे भाई, मैं खुद इसके साथ गई थी, मैंने घर भी देख लिया और घर वालों से भी मिलाई, अच्छे भले लोग हैं। ऐसे भी तुम पर घर की सारी जिम्मेदारियों का मजीद बोझ डालना कुछ अच्छा नहीं। तो आप शायान से क्यों नहीं कहती हैं कि कोई ढंग की जॉब तलाश करे? तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी? मैंने उससे बात की थी, अगर शायान को अपनी मनमानियां करने से फुर्सत मिले तो वो मेरी कोई बात सुने ना। तुम कोई जॉब नहीं करोगी? मना कर दो ने। बेटा सारा, क्यों घर आई रोजी को इस तरह से ठोकर मारना कुफराने नेमत है। वैसे भी तुम्हारे भी तो अभी कोई जॉब नहीं है। मैंने इंटरव्यू दिया है अम्मी, जॉब भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ, फोन करो जिसको भी तुमने कॉन्टेक्ट किया है, उनको मना करो तुम कोई जॉब नहीं करोगी। कह दिया ना, बस कोई जॉब वॉब नहीं करनी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बताने की? देखिए, the color pattern should be exactly the same as quoted, and I don't want any changes. Excuse me, आप लोग प्लीज ये बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? अभी जाएं आप लोग। भाई, thank you. क्या हुआ भाई? बैंक से फोन आया था, तुम्हारे अकाउंट से 10 लाख डेबिट हुए। देखिए भाई, वो मेरा अकाउंट, उसमें से कुछ डेबिट हो या उसमें कुछ क्रेडिट हो, आपको उसमें इंटरेस्ट क्यों है? जाहिर है, जब तुम पानी की तरह पैसे बहाओगे तो मुझे तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यकीनन सारा की फैमिली को दिए होंगे। पैसे मेरे हैं भाई, मैं किसी को भी दूं, आपको उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। मैंने खुद को तुमसे लाताल्लुक रखा तो शायद तुम अपना सब कुछ अपने सुशांत को लौटा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, मेरे पर्सनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और तुम भी थोड़ा होश करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अली, लुक एट मी, आई एम वार्निंग यू कि अगर तुमने अपनी लापरवाहियां सही नहीं की तो मुझे कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मैं चाहूं तो मेरी इजाजत के बगैर कोई रकम रिलीज नहीं होगी। आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अगर तुम बाज ना आए तो मैं ऐसा कर गुजरूंगा। कैसा है? बहुत खूबसूरत है ये तो। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। इसके लिए बैंक गया था आज मैं। ज्वेलरी लेने बैंक गए थे? लॉकर में रखवाया हुआ था ना, जाना तो था। राजा है? सारा बीबी आपको बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा, मैं आती हूँ, आप प्लीज इसको रख दीजिएगा। अरे सारा,
तुम कब घर आई? अम्मी के पास गई तो उन्होंने बताया कि तुम घर आ गई। क्या हुआ सारा, तुम इतना घबरा क्यों गई? नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी, कोई काम था भाभी? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ तो सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। डॉक्टर के पास? मैं फिर कभी चली जाऊंगी, अभी अली के आने का वक्त भी हो रहा है तो। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी फुर्सत हो मुझे बता देना तो मैं तब का अपॉइंटमेंट ले लूंगी। या अल्लाह, मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ, आप तो सब जानते हैं ना। तारा माली आए ना तो उससे कहना कुछ नए पौधे भी लगा दे। जी बेगम साहिबा। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। सारा नहीं जा रही तुम्हारे साथ? नहीं, उसने साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया था। तुमने उसे बताया नहीं था कि मैंने उसे साथ जाने के लिए कहा है? बताया था, लेकिन उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। मैंने आपसे कहा था ना, उसे सिर्फ जॉब करनी है, फैमिली वगैरह का ना उसने सोचा है और ना ही कभी सोचेगी। अगर वो ये समझ रही है कि वो अपनी मनमानी करेगी तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, और उसकी ये गलत फहमी मुझे दूर करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। शहीर, मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आप ले जाएंगे मुझे? तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। शहीर प्लीज, अगर आप नहीं आते तो मैंने ड्राइवर के साथ ही तो जाना था। जल्दी आकर गलती हो गई मुझसे। शहीर, ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? माँ मैं बहुत थक गया हूँ। ऑफिस के मामलात की थकन पर बीवी से बेजारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शहीर लेकर जाओ इसे। पहले की तरह बेरुखी और सरसा रवैया हो गया इनका मेरे साथ। नगीन, ना दिल छोटा मत करो, अल्लाह बहुत मेहरबान है। देखो पहले भी तो कोई सबब बनाया था ना इसके सही होने का, इंशाल्लाह अब भी कोई वसीला बना देगा। परेशान मत हो, तुम जाओ इसके साथ। ये इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? दोस्त से उधार लिए। जब घर के खर्चे पूरा करने के लिए जेब में पैसे ना हो ना, तो इंसान को अपनी ख्वाहिशों को लगाम देना चाहिए। अम्मी आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आपके लिए फल लाए हूँ। गरीब लुट पिट कर ना खुद ही ठीक हो जाता है, ये फलों जैसी अय्याशियां सिर्फ अमीरों को जचती है। वैसे भी न जाने इरफान नामी तलवार कब हमारे सर से हटेगी। हट जाएगी अम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? फिक्र ना करूं तो और क्या करूं, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, सारी जिंदगी की कमाई अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी सी देर में मट्टी में मिल जाती तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। अरे जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के क्यों परेशान हो रही हैं? परेशान ना हो तो और क्या करूं, इरफान जैसे लोगों से मुझे जरा भी अच्छे की उम्मीद नहीं, ऐसे लोगों को सिर्फ अपने पैसों से गर्ज होता है, फिर चाहे किसी माँ का लाल ही उससे क्यों ना छिन जाए। सारा का भी कुछ पता नहीं कि वो कर्जा उतारने में मदद करेगी या नहीं, वो तो ससुराल जाते ही माँ को बिल्कुल भूल जाती है, मैं पूछती हूँ उससे।
हेलो सारा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सारा, तुम्हारी अली से बात हुई? अम्मी, अली से बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर क्या करोगी? कैसे इंतजाम होगा पैसों का? अम्मी मैं सोच रही थी कि अली ने मुझे जो गोल्ड का सेट गिफ्ट किया था वो मैं सेल आउट कर दूं, लेकिन मुझे अली का सोच के अजीब सा लग रहा है। वो क्या सोचेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि मैंने उनका दिया वो गिफ्ट ही बेच दिया। अरे बेटा, वो क्या सोचेगा? एक बार जब उसने चीज तुम्हें दे दी तो वो तुम्हारी हो गई। अब तुम उस चीज के साथ जो भी करो ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी बेटा ऐसी चीजें बुरे वक्तों में काम आती है। देखो बेटा, अब ज्यादा मत सोचो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर देर हो गई तो हमारे हाथ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तुम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, मैं आके साइन करता हूँ। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आके। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ? तुम्हारी बेवफाई की वजह से जो डिप्रेशन लगा है वो जान ही नहीं छूटता। सैम प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। सैम मैं बेवफा नहीं। तुम अभी ये कहोगे मुझसे? हाँ, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सैम। शहीद, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी बातें पहले ही मेरी जिंदगी में किसी जहर की तरह कड़वाहट घोल चुकी हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। सैम प्लीज प्लीज। क्या चाहते हो तुम? चले गए थे मैं मेरी जिंदगी से तो क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते? जाओ जल्दी जाओ, छोड़ दो मुझे जिस तरह पहले छोड़ के चले गए थे। सैम मैं नहीं, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं तो सैम मैं संभाल लूंगा। इजी इजी इजी। तारा, मैंने जो कपड़े निकाले हैं ना उसमें से तुम और नसरीन ले लो। जी ठीक। और वो आंटी आपने बुलाया? हाँ, तुमसे बात करनी थी। कुछ कपड़े निकाले इन दोनों को देने के लिए, दिल सा भर गया था उन कपड़ों से। तारा तुम जाओ। जी अच्छा, बैठो बेटा। वो मैं सोच रही थी कि निघत को खाने की दावत दे दूँ। दावत? हाँ दावत। तुम बहू हो मेरी, अब मुझे एहसास हुआ है कि निघत को ना बुला के मैंने गलती कर दी। अब अनजाने में जो गलती हो गई मुझसे उसी का अजाला करना चाह रही हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने इतना सोचा यही काफ़ी है। काफ़ी नहीं है बेटा, इसीलिए तो बुला रही हूँ उन्हें। जो इज्जत उनको देनी चाहिए, जो उनका हक है वो तो देनी चाहिए ना बेटा। मैं खुद ही फ़ोन कर दूँगी उन्हें। ठीक है जी। फोन तो उठाए शहीर।
हेलो हेलो शहीर, किधर हैं आप? हाँ, मुझे अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना पड़ गया था। क्या मतलब, आप मुझे यूं बगैर बताए चले गए? कहाँ ना, अर्जेंटली जाना पड़ गया था। anyway, मैंने ड्राइवर को बोल दिया, वो तुम्हें आते ही होगा पिक करना। हेलो हेलो शहीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए ना डॉक्टर, सब ठीक है ना? वो एक्चुअली मुझे बहुत शौक है कि मेरे यहाँ भी औलाद हो। पहले भी पूरे 2 साल बाद ये खुशी नसीब हुई थी मुझे। क्या हुआ, आप कुछ कह नहीं रही? सब ठीक तो है? एक्चुअली वो आपकी रिपोर्ट्स। क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कौन सा मसला हल कर दिया अली ने? मैं तो कब से सारा की मिन्नतें कर रही हूँ कर्जा उतारने के लिए। ओहो, तो इसका मतलब है कि शायान ने आपको कुछ बताया ही नहीं है कि अली भाई ने उसे अपने ऑफिस बुलाया था पैसे देने के लिए। तेरा वादा अगर वफा होगा। आप जानते हैं सैम को? हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। दोस्ती से कहीं ज्यादा रिश्ता था हमारा। आप शहीद तो नहीं? ये कब से इस कंडीशन में है? काफी साल हो गए सैम को इस पेज से गुजरते हुए। बहुत मुश्किलों से, इसके पेरेंट्स, इसके भाई और मेरी कोशिशों से ये इस पेज से निकल पाई थी। लेकिन जब इसने आपको दोबारा देखा तो ये फिर से उसी पेज में चली गई, और इस बार इसका डिप्रेशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए इसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। मिस्टर शहीद, मेरे सेशंस और मेरी मेडिसिंस इसे वक्ती तौर पर आराम देती हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो आपको इनसे बात करनी होगी। तो मुझसे बात नहीं करेगी? इस तरह के केसेस में फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा नाकाम होती है। देखिए, मैं एज अ डॉक्टर इन्हें समझाऊंगी, लेकिन आप एक दोस्त की तरह इन्हें ट्रीट करें, इन्हें समझाएं। मुझे यकीन है कि आपके समझाने से हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे यकीन है कि मेरी रिपोर्ट्स किसी और से स्विच हो गई हैं, आप प्लीज़ चेक कीजिए ना। आपकी ही रिपोर्ट्स हैं ना? तो फिर कोई ट्रीटमेंट?
या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन जिससे कुछ हो सके? एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस इस कदर हो चुकी हैं कि कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। एंड आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? बिलाल फोन नहीं उठा रहा? बिजी होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। ड्रॉप तो काफी अरसे पहले कर दिया था मुझे अपनी फैमिली के हाथ। सैम, मुझे लगता है कि तुम्हें शहीर से बात करनी चाहिए। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। सैम, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या सुनो शहीर, तुम्हारी मजबूरियां या बहाने? सैम, तुमने एकदम से रابطہ खत्म कर लिया था। तो और क्या करते शहीर? अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते देखते या तुम्हारी शादी में आके मुबारकबाद देते? इतना हौसला नहीं है मुझ में शहीर, इसीलिए मैं सब कुछ खत्म किए भाग रही तुमसे, अपनी मोहब्बत से, हमारी यादों से। लेकिन मैं जपते हुए भी खुद को तुम्हारी यादों से दूर नहीं कर पाई। सैम, जो कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं चाहता था। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माफी मांगने से जो इतने सालों मुझे अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी वो कम नहीं मुमकिन। अजियत सिर्फ तुमने नहीं सही, मैं भी खुश नहीं। खुशी किसे कहते हैं शहीद? तुम अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो। यही डॉक्टर के रूम में मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ जाते हुए देखा। शायद तुम्हारे दुखे दिल की आग लग गई मेरी खुशियों को। नगीन का इस गैरेज वो क्या है? बहुत दुख हुआ सुन के।
लेकिन खुदा गवाह है मैंने तुम्हारे लिए कभी कोई बददुआ नहीं की। जानता हूं तुम जितना प्यार करती हो मुझसे। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं, लेकिन कोशिश करना दोबारा हमारा सामना ना। हे सैम, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी। अरे यू कैन कॉल मी एनी टाइम ये लो, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। क्या तुम्हारा इंतजार बेकार, मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करने वाली। सर मैंने कहा ना मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। मिस फरा प्लीज इतना सा फेवर तो कर दें कि नायल के एग्जाम के बाद छोड़ दें भले। प्लीज मिस फरा, नायल काफी अटैच्ड हो गया आपके साथ, शायद किसी और टीचर के साथ वो इतना कंफर्टेबल ना हो सके, सोचे ना सरा। अब आप जानती हैं ना इस किस्म की सिचुएशन में बच्चों की प्रोग्रेस पे कितना असर होता है, इसमें नायल का क्या कसूर है? अब देखें नायल अपने एग्जाम में पोजीशन लूज कर जाए, ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे ना? आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मिस फरा, आप प्लीज कल आइए, इस बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, फिर आपके जितने भी ड्यूज हैं आप सब ले लें। ओके, मैं आ जाऊंगी कल। थैंक यू मिस फरा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मार देना रोजी पर लात। अहद सर कह रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद छोड़ दूँ, उन्होंने कल बुलाया है डिटेल में बात करने के लिए और कह रहे हैं ड्यूज़ भी कल ही क्लियर कर देंगे। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है, उसके बेटे की पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्या हुआ भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया जो तुम मुझे ऐसे देख रही? अम्मी अगर सारा आप ही को पता चल गया ना तो मैं बहुत नाराज होंगी। और कौन बताएगा उसे तुम, क्योंकि मैं तो ऐसी बेवकूफी नहीं करने लगी। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि सारा अपनी जिंदगी में खुश रहे। बेटा सारा तुम्हारी बड़ी बहन है, जिस तरह उसे तुम्हारे आराम का ख्याल है तुम्हें भी तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, और आप ही ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, अब हमारी बारी है। यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ बेटा, और वैसे भी सारा कौन सा रोज रोज यहाँ आती है, उसे तुम्हारे होम ट्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो। मुझे अंदाजा था अम्मी कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। अली भाई ने मसला जो हल कर दिया। क्या मतलब, कौन सा मसला हल कर दिया अली ने? मैं तो कब से सारा की मिन्नतें कर रही हूँ कर्जा उतारने के लिए। ओहो, तो इसका मतलब है कि शायान ने आपको कुछ बताया ही नहीं है कि अली भाई ने उसे अपने ऑफिस बुलाया था पैसे देने के लिए। क्या पैसे? अम्मी ये जो आपका लाडला है ना, ये धोखा देने का कोई मौका नहीं गवाता। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मारिया मारिया मेरी बात। मारिया फोन तो नहीं आया? आया था सैम का फोन, मैंने लाइन बिजी कर दी। बिलाल हम बाहर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं,
अरे हो सकता है ना कोई जरूरी बात हो। बिलाल जितनी भी जरूरी बातें हो वापस आके कर लेना, थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। अब चलो अभी देर हो रही है। अच्छा चलो फोन दो। मैं चाहूं तो मेरी इजाजत के बगैर कोई रकम रिलीज नहीं होगी। भाई ने अगर ऐसा कोई स्टेप उठा लिया तो नहीं, मैं भाई को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अली क्या वो परेशान लग रहे हैं? हाँ परेशान था, लेकिन तुम्हें देखते ही सारी परेशानी खत्म हो। तुम जानती हो कितना ही थका क्यों ना, कितना परेशान क्यों ना, तुम पर नजर पड़ती है तो सारी थकावट सारी परेशानी दूर हो जाती है। अरे माँ आइए ना। वो अली सारा ने तुम्हें बता दिया होगा ना निगत को बुलाने का? नहीं माँ मुझे तो नहीं पता। आंटी मेरे ध्यान में नहीं रहा। हैरत है इतनी बड़ी बात तुम्हारे जहन से निकल कैसे गई? माँ लेकिन वो आप बुला क्यों रही है, कोई खास वजह? ऐसे ही मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है तो मिलजुल कर बैठेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, मैं जानता था देर से ही सही, लेकिन आप आंटी को जरूर बुलाएंगी। साहिर है घर की बड़ी हूँ, दिल तो बड़ा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल माँ। अच्छा माँ लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इस बार कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आंटी की इंसल्ट हो या सारा हर्ट। अच्छा तो अब मुझे ये बताया जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, अभी तक ये नौबत आई नहीं है। नहीं माँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस वो। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह से समझती हूँ अली, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं निघत को अपने घर के हर फंक्शन में खुसूसी तौर पर बुलाऊंगी। अभी ये क्यों कॉल कर रही हैं यार? कैसा है आप? जिस शख्स का सब कुछ लूट चुका हो वो कैसा हो सकता है? I can understand आपकी परेशानी, समझ सकती हूँ मैं। नहीं आप जैसे बड़े लोगों को क्या अंदाजा हो सकता है हमारी परेशानी का। अब तो मैं आपको अपनाने के लायक भी नहीं रहा, पर ना मेरा खुदा जानता है क्या क्या सोचा था मैंने आपके लिए। सोचा था अगर पैसों की रेल फेल होती तो कितनी शान से आपका हाथ मांगता। मगर सब गड़बड़ कर दिया किस्मत ने। शायद मेरी नजर में पैसे की इतनी अहमियत नहीं है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, बाकी सब खुद ही अच्छा हो जाता है। अच्छा दिल कौन देखता है भला, आजकल तो हर कोई भरी हुई जेब ही देखता है। चार मैं लोगों की नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे लिए पैसे की कोई खास अहमियत नहीं है। हाँ भाई अमीर बाप की औलाद है, भला पैसे की कदर क्या मालूम इन अमीरों को। वैसे शॉर्टकट का ये ऑप्शन भी कुछ बुरा नहीं है। ऐसा जी अगर आप
बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। मैं दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकता हूँ? तो सोचा जा सकता है इस बारे में। अच्छा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग, the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.